कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर उपायुक्त ने परिसदन भवन गुमला के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और विस्तृत जानकारी दी। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने परिसदन भवन गुमला के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर विस्तृत जानकारी दी और जिलेवासियों को जानकारी देते हुए आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान में इस महामारी की संभावित तीसरी लहर के प्रकोप से बचाव में लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने आमजनों को इस महामारी से बचाव के निमित्त सदैव मास्क पहने, अनावश्यक भीड़ वाली जगह पर न जाएं, हाथ धुलाई की आदतों को अपनाएं और कोरोना टीका लगवाने की अपील की है। 15 प्लस वाले बच्चों को हम लोग चिन्हित किए हैं, उसका लक्ष्य 74,500 के आसपास है और ये 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया है गुमले जिले में और लगभग हम लोग 18,000 बच्चों को जो 15 से 18 ईयर के बच्चों हैं उनका हम लोग वैक्सीनेशन करा लिए हैं। सबों को हम लोग कोविन पोर्टल पर भी एंट्री करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग 10 से 15 दिन में सभी जो 74,000 जिसकी संख्या है बच्चों की उसको हम लोग वैक्सीनेशन से कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त 10 जनवरी से जो SCW और FLW है उनको और प्लस 60 प्लस जिनको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है उनका भी हम लोग वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना से अब तक 42 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके आश्रितों को सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जानी है। उन्होंने बताया कि 38 मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि देने के लिए प्रतिवेदित किया गया है। इधर तैयारियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिले में 350 ऑक्सीजन युक्त बेडों की व्यवस्था की गई है और अतिरिक्त 700 सामान्य बेड है। आगे बताया कि 20 जनवरी तक पूगू में RT-PCR केंद्र स्थापित कर कोरोना की जांच प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।